मैं आज को आपको इस छोटे से खिलौने के बारे में बताना चाहता हूँ। आज से सिर्फ 25 साल पहले इतना सा खिलौना बनाने के लिए आपको शायद 2 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं और फिर भी नहीं आप बना सकते। आज ये खिलौना आपको 500 रुपये से 6000 रुपये के दरमियान मिल जाता है। खिलौना क्या है? ये एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, CPU है, USB पोर्ट है, वाईफाई है, VGA पोर्ट है, TV लग जाता है डायरेक्ट, सब कुछ इसमें है। जो आपका TV नया आ रहा है, स्मार्ट TV उसमें बिल्ट इन होता है। इसको आप जितनी मशीनें अपनी बनाते हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर की हैं उसमें लगा सकते हैं। ये आपकी पूरी मशीन को पूरी तरह कंट्रोल करना शुरू कर देगी। सेंसर उस रिपोर्ट देगी, आज मैंने इतनी की प्रोडक्शन करी साहब, आज मैंने ये ख़राबी अपने अंदर तोड़ी। आप हेल्थ डायग्नोस्टिक करेगी, जो आप सोच सकते हैं वो ये काम कर सकता है। ये जो चांद पे खलाई शटल गई थी उससे भी शायद 1000 गुना ज़्यादा तेज़ है। इसकी कीमत जो है, ये भाई ने 6000 रुपये रखी है, पाकिस्तानी बना हुआ है जो ये है, और ये चाइनीज़ बना हुआ। आपको जैसे मैंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन 500 रुपये से 6000 रुपये में और उससे थोड़ा सा ज़्यादा में भी मिल जाता है। ये इन्होंने किट बनाया है, मज़ीद आप इनसे इसके बारे में पूछें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलौना है जिसको आप गूगल करके, यूट्यूब करके सब सीख सकते हैं। प्रोग्राम कैसे करना है, क्या उसके साथ खिलौने बनाने हैं, चीज़ें बनानी है, इसके लिए पुर्जे आते हैं, चीज़ें ऐड करते जाएँ, वाईफाई पोर्ट लगा दें, VGA पोर्ट लगा दें, ये जादू है। तो इसको ज़रूर आपने स्टडी। इस जादू का नाम क्या है? Arduino। सही बोल रहे हैं, Arduino भाई। मैं देखो ना, इतना जहलो नाम भी सही नहीं आता। Arduino इसको कहते हैं। इसकी और भी बहन भाई हैं, इनके और भी आ गए। ये ओपन सोर्स एक कंप्यूटर। Arduino के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, उन्होंने वैसे सारा कुछ कवर तो कर लिया है। Arduino का एक माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली ये करता है जो आप इसे कहते हैं वो उस तरह बिहेव करता है। इसमें मतलब आप देख सकते हैं डिफरेंट, इसमें ये चिप लगी हुई है जो कि सारा कंट्रोल करती है, और इसके अलावा ये जो है ये सारी पिन्स हैं जिनमें आप उस हिसाब से कनेक्ट कर सकते। थोड़ी देर के लिए मैं एक और एंगल से देखता हूँ। अच्छा, पानी वाला पंप है, इसके साथ मैं अगर इसको कनेक्ट करता हूँ और कहता हूँ कि 20 मिनट के बाद ये बंद हो जाए तो क्या ये बंद करवा देंगे? बिल्कुल ऐसे हो सकता है आपको। और इसको ऐसा बनाने के लिए करने के लिए एक्सपेंस कितना आ जाएगा? पानी 2400 अराउंड इसी तरह होगा। 2400 अराउंड इसी क्या होगा बेसिकली। इसके कंपोनेंट्स होते हैं, Arduino की सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये काफ़ी अब मैं ये समझाऊँ, मैं जो मैं समझ रहा हूँ आप करेक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक मशीन बनाता हूँ, उसमें कोई चीज़ मिक्स हो रही है, मिक्सिंग कर रहे हैं हम, और मैं उसको कमांड देता हूँ कि 5 मिनट इसको मिक्स करना है, 10 मिनट रेस्ट देना और फिर 5 मिनट मिक्स करना है। इस मशीन को ये कमांड सिस्टम है उसका, जो हम फीड कर देंगे ये बिल्कुल वैसा ही करवा देगी। और इसका जो एक्सपेंस है हार्डली 10000 से ज़्यादा नहीं होगा, उससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा। और आप उस सारी की ऐप बना के मोबाइल से कंट्रोल भी कर सकते हैं। आप 5 नहीं इसको 10 कर देना और आप लालू खेत चले जाएँ पाकिस्तान में या अमेरिका चले जाएँ, वहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही है। सोने तेरा ना की है। बिल्कुल ऐसी बात है। इसमें सिर्फ आपको एक सेंसर लेना पड़ेगा, जिस तरह वो कह रहे हैं अगर आप मोबाइल से कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक वाईफाई सेंसर के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको 4-5 लाइनों का कोड से आप उसको टोटली कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में जिसमें बहुत आसान, बिल्कुल डर लगता है लोगों को करते हैं लेकिन आसान, मैं भी नहीं लिख सकता। आपकी वेबसाइट है? जी बिल्कुल, ऑक्सब्रिज इनोवेटिव्स के नाम से हमारी वेबसाइट है। थोड़ा स्लो बताइएगा स्पेलिंग के साथ। ऑक्सब्रिज OXBRIDGE इनोवेटिव्स IOOVATIVES के नाम से वेबसाइट है, oxbridgeinnovatives.com। और उस पर कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन भी होगा? जी बिल्कुल, वहाँ से रब्ता किया जा सकता है। बहुत मेहरबान, थैंक यू।